नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहां हर प्रकार की चूड़ियां, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर। बुलंदशहर पुलिस प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ धरने पर बैठा कांग्रेस प्रत्याशी जियाउर रहमान। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप, पुलिस ने प्रचार वाहन को सीज कर जब्त किया। गुस्साए कांग्रेस प्रत्याशी जियाउर रहमान अपने समर्थकों के साथ कोतवाली शिकारपुर में धरने पर बैठे। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी ने सबसे गरीब प्रत्याशी में सबसे ज्यादा टॉर्चर मुझे कर रहे हो भैया, काय बात का खौफ है? जनता मेरे साथ है तो है, दो जाते बताओ। बिल्कुल सच बात है जी, जो जो सगाड़ी चल रही है उन्हें चोरा पकड़ो। हमने उन्हें पकड़ो, मुझसे बात ही बताओ, आपने मुझसे बात एक बार बात ही बताओ। मेरा फोन उठाया था आपने, मैंने फोन किया, फिर मैंने अरुण भाई को फोन किया। रात से दो कंपनी एसएसबी आई हुई, मैं तो स्कूल में नुकरा खा रहा हूँ रात भर पूरा। ऐसा नहीं है, सुन तो, एसएसबी आई हो, फ्लाइंग स्क्वाड चल रही है, आरओ की तमाम गाड़ियां चल रही हैं। मैं उन्हें बता चुका हूँ कि यहाँ दारू बढ़ रही है, यहाँ शराब बढ़ रही है, यहाँ पैसा बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात सुनो, पुलिस प्रशासन पर लगाया मनमानी का आरोप। धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने गाड़ी छोड़ने का दिया आश्वासन। कोतवाली में कांग्रेसियों की भीड़ देखकर पुलिस आई बैकफुट पर। जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली का पूरा मामला। जियाउर जी, आज आप कहाँ धरने पर बैठे और क्या पूरा मामला? कोतवाली शिकारपुर में धरने पर बैठा हूँ। मैं छतारी क्षेत्र में प्रचार कर रहा था, मेरे पास फोन आया एक ड्राइवर का, मैं जो मैंने आज हायर की थी गाड़ी, जिसकी परमिशन मैंने आरोपियाँ अप्लाई की है, कि वो पुलिस शिकारपुर पुलिस ने मेरी गाड़ी पकड़ ली। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं और गाड़ी को जो है पुलिस लाइन भेज दिया। जबकि DM अलीगढ़ का, उसके पास गाड़ी की नोटिस है कि 8 तारीख को वहाँ से जाएगी, 8 तारीख तक वो मेरा प्रचार करती। योगी सरकार के मंत्री अनिल शर्मा के इशारे पर मेरी गाड़ियों को जगह जगह पुलिस प्रशासन परेशान करता है। जो परमिशन की गाड़ियाँ हैं उनकी 1000 बार चेकिंग करता है, लेकिन चेकिंग करना उनका अधिकार है। मैं कभी नहीं बोला, मैंने कि आप कितनी चाहे चेकिंग कर लीजिए, लेकिन आप टारगेट करके कांग्रेस के प्रत्याशी को आप दबाएंगे, आप उसकी गाड़ियों को इधर उधर भेजेंगे। कहीं पूरी आचार संहिता में नहीं लिखा है कि प्रशासन गाड़ियां जब्त करके चुनाव की ड्यूटी में लगाएगा। जब वो कह रहा है कि DM अलीगढ़ का नोटिस देख लीजिए, इसके बावजूद उन्होंने नहीं सुनी। मैं धरने पर बैठा हूँ, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। योगी का मंत्री हो या संतरी हो या BJP का इशारे पर अगर पुलिस काम करेगी तो मैं जितने घंटे यहाँ कहेंगे प्रचार विचार सब छोड़कर पहले कोतवाली में धरना दूंगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन एक बात मैं पुलिस को बता देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, कि ये वो कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है कि आप जिस तरह से दबाओगे वो दब जाएगा। मेरे साथ लोग हैं, जनता है, शिकारपुर है, मैं यहाँ बैठूँगा और आप अपना हक और अधिकार की लड़ाई जिस स्तर पर होगी बुलंद करूँगा, लेकिन योगी के मंत्री अनिल शर्मा की गुंडे चलने नहीं दूँगा। फिलहाल अब आपकी किसी से बात हुई पुलिस अधिकारी से? मेरी अभी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो बात कर रहे हैं, गाड़ी छोड़ देंगे, मैं उठ जाऊँगा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर भविष्य में मेरे गाड़ियों को, मेरे लोगों को परेशान करेंगे, दबाएंगे, तो परिणाम जो है बहुत गंभीर होंगे और योगी के मंत्री को, BJP को और पुलिस प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बताइए किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, बार बार आरोप लगा रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा बुलंदशहर में मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की गई। मैं जितनी सामग्री लेके चलता हूँ GST का बिल पे करता हूँ, मेरी जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं सबकी परमिशन है। अनिल शर्मा की 1000 गाड़ियाँ क्षेत्र में घूम रही हैं, कोई पुलिस प्रशासन का आदमी नहीं रोकता। मैंने कई बार शिकायत की है इसकी, दारू बांटी जा रही है, मैंने कई बार शिकायत की है, कोई रोकने को तैयार नहीं है। पैसा बांटा जा रहा है, मैंने कई बार शिकायत की है, कोई रोकने को तैयार है। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन BJP का एजेंट बन के काम कर रहा है, निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। एक बार बात करो, निकला है कि नहीं निकला है?